जहाँ जहाँ मुझे सजाना वहीं सजाना तुम्हें। लहसुन हाँ कुछ डाली है हमने अभी दिए बेबी मेरे को भी जलाना है दिए यार मेरा हाथ जल जाएगा। वेरी वेरी मैं एक बार देखता हूँ एक वन बाय वन राजेश ये चलो ना स्मार्ट तो मैं शादी होने के बाद हुआ मैं स्मार्ट इसलिए मैं डफर ही था। चलो ब्रेक आप लोग चले इसके बाद हम आते हैं। एक्चुअली हम लोग रहते हैं दीपावली के इसमें ही करते हैं अच्छा इन्हें सजाना पड़ेगा हमें। शान दिखाओ अपनी कलाकारी शान प्लीज उसको हाँ डन अपने यार नवीन पहले लास्ट में धनिया ज़्यादा था आपने मसाले में धनिया ज़्यादा था इस बार मीट ज़्यादा है तो बच के रहना अच्छा ना दीपावली यार ये लोग मिठाई खिलाएंगे मुझे दिखा के साथ नहीं यार नीचे करके नीचे देखना ओके रोल आग जो है या अच्छा कैमरे में देखना है। हेलो वेल सबसे पहले तो आप लोगों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग काफ़ी इको फ्रेंडली दिवाली मना रहे हैं दिए जला के क्या कहना चाहेंगे। एक्चुअली हम सबको भी यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं क्योंकि वरना क्रैकर्स वगैरह जो बर्न करते हैं लोग उससे पोल्यूशन होता है नॉइज़ पोल्यूशन होता है इतना सब यहाँ सफाई अभियान चालू है जहाँ पे वहाँ आप गंदगी मचाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरा एक सजेशन ऐसे पटाखे जला जिससे दुनिया जले इन्वायरमेंट नहीं हमारा वैसे आप लोगों की दिवाली की प्लानिंग क्या है किस तरह से इस बार सेलिब्रेट करने वाले शूट ही करने वाले हैं या फिर सेलिब्रेशन का भी कुछ प्लान है। शूट ही करने वाले हैं और उसके बाद ये छठ पूजा के लिए अपने घर जाने वाले हैं। अरे न्यूज़ थी लीक कर दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है शायद हो सकता है। दिवाली का प्लान क्या है कि इस बार सच में मैं तो बहुत डिफरेंट तरीके से दिवाली मनाने वाला हूँ तो प्लानिंग कुछ की नहीं है देखते हैं क्या हो जाता है उस समय। हालांकि बहुत शूट चल रहा है हमारा कंटिन्यू तो हम बहुत बिजी हैं अभी। अच्छा वैसे जब भी दिवाली आती है तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आप लोग हर साल करते हो और हमेशा एक्साइटेड रहते कि यार इस बार भी करनी मिलेगी मुझे। दारू तो नहीं पीते ना कुछ और बोलने वाला था क्या। दिवाली आती है तो एक चीज मैं जरूर करता हूँ मैं बताऊँ क्या करते हैं। हाँ बोले गेट टुगेदर। अरे इतने इनोसेंट तरीके से बोला मुझे लगा कोई मेरा जुर्म बता रही है मैं बताना दिवाली के दिन एक्चुअली हम लोग बहुत सारे दोस्त लड़के वड़के सब बहुत मिल लेते हैं आपस में। मैं तो एक चीज़ करता ही करता हूँ रात को हम लोग बाहर निकलते हैं और जो क्रैकर्स होते हैं जो बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हैं उन्हें हम कहीं ऐसी जगह फोड़ते हैं जिससे 15-20 लोग कम से कम परेशान हो। हाँ ये सच है यानी कि सेट पे इको फ्रेंडली और जब भी मौका मिलता है बाहर तो खूब पटाखे फोड़ते हैं। हाँ इको फ्रेंडली मतलब क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे याद आ गया एक चीज़ मेरा वजन स्कूल तो दिवाली का टाइम था हम लोगों का कुछ प्रोजेक्ट हम लोग कम्प्लीट कर रहे थे जिसकी वजह से हमें स्कूल जाना पड़ता था दिवाली के टाइम पर भी हमने